बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है प्रिंटर्स के हवाले से और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जैसे कि हमने पहले इसकी आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से कुछ वीडियोस जो है पहले अपलोड की हैं, तो आज जो है हम प्रिंटर को डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे कौन कौन सी हैं। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाइन्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफी दफा ये बोर्ड में भी आ चुका है और वैसे भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कंसिडर होता है प्रिंटर्स के हवाले से। लो जी, प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस that is used to take print from a computer. यानी एक ऐसी output device है जो कि computer से print लेने के लिए इस्तेमाल होती है। Printer changes soft copy into the hard copy. ये soft copy को hard copy में change करता है। यानी soft copy screen output होता है और hard copy जो था paper output होता है, यानी उसको paper output में ले जाता है। In order to view the screen output over the paper, user needs to have a printer. यानी अगर वो paper पर output लेना चाहता है तो उसके पास क्या होना चाहिए? Printer होना चाहिए। प्रिंटर कैन बी कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू अ केबल और थ्रू अ नेटवर्क। आप इसको नेटवर्क के जरिए से भी कनेक्ट कर सकते हो और आप इसको केबल के जरिए से कनेक्ट कर सकते हो। केबल के जरिए से कनेक्शन ये होता है कि आपने केबल ली उसके साथ अपने कंप्यूटर के साथ, यानी डेस्कटॉप या लैपटॉप जो भी आप यूज कर रहे हो उसके साथ कनेक्ट किया और वहां से आपने उसको प्रिंट दे दिया। कुछ वायरलेस भी है, यानी वायरलेस ही आप उसको नेटवर्क के ऊपर कनेक्ट कर दो, वहां से आप उसको भेज दो प्रिंट और वो वहां से एक्सेप्ट कर लेगा। नेटवर्किंग ही होती है कि आप उसको, यानी आप जो इंटरनेट के आप डिवाइस है उसके जरिए से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो आपस में। जैसे हमारे पास सब, हमने अपने इंस्टीट्यूशन में जो प्रिंटर यूज़ कर रहे हैं वो हम लोगों ने नेटवर्किंग के जरिए से किया हुआ। यानी आपको उठ के जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केबल उसकी जो है वो केबल तो होती है, वो पेगल आप जो केबल है उसको आप साथ लगाने की जरूरत नहीं है आपको प्रिंटर के साथ या लैपटॉप के साथ। जहाँ बैठे हुए हैं उस एरिया के अंदर जहाँ वो नेटवर्किंग की रेंज है उसके अंदर आप बैठ के वहाँ से प्रिंट दें, कोई भी प्रिंट देगा उसके अंदर जो भी उसको जो है वो शेयर जिसके साथ, तो वो उसका प्रिंट ले सकता है वहां से। ठीक हो गया। तो ये एक ऑनलाइन सपोर्ट होती है, यानी ऑनलाइन आप उसको प्रिंट ले सकते हो। तो प्रिंटर जो होता है वो नेटवर्क के जरिए से कनेक्ट हो सकता है और केबल के जरिए से भी कनेक्ट हो सकता है। उसके बाद प्रिंटर इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड पेरिफेरल डिवाइस टू प्रिंट टेक्स्ट एंड इमेजेस। ये टेक्स्ट और इमेजेस वगैरह जो है उसको प्रिंट करने के लिए एक पेरिफेरल डिवाइस है। पेरिफेरल क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये एक्सटर्नली कनेक्ट होती है कंप्यूटर के साथ। और प्रिंटर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज विच आर इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। दो तरह की इसके टाइप्स होती हैं, को कहते हैं इंपैक्ट प्रिंटर, एक होते हैं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। डिफरेंस बिटवीन द इंपैक्ट एंड नॉन इंपैक्ट आर डिस्कस बिलो। ये इस तरीके से जो नीचे आपको बताया गया है, ये इंपैक्ट के हैं और ये नॉन इंपैक्ट के हैं। तो पहला डिफरेंस है इंपैक्ट प्रिंटर डू प्रिंटिंग बाय फिजिकली स्ट्राइकिंग विद अ पेपर। इसका एक हैमर होता है, प्रिंटिंग हेड होता है, वो प्रिंटिंग हेड जो होता है वो इंक रिबन के साथ भी टकराता है और फिर वो पेपर के साथ भी टकराता है। जैसे बिल्कुल आप कह लो कि जैसे एक आपकी होती है ना स्टैंप होती है, तो स्टैंप आप क्या करते हो, स्टैंप पैड पर होता है उसके ऊपर आप उसको लगाते हो, उसके बाद लगाने के बाद उसको पेपर पर ठप्पा लगाते हो, तो वो ये ठप्पे वाला काम है। यानी ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये ठप्पे वाला प्रिंटर है, ठीक है, पेपर में नहीं लिखाना ठप्पे वाला प्रिंटर जो है इस कॉल्ड इम्पैक्ट प्रिंटर। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ठप्पे वाला प्रिंटर है और ये जो है ये ठप्पे वाला प्रिंटर नहीं है। ये क्या करता है, ये फिजिकली स्ट्राइक नहीं करता पेपर के साथ, ये क्या करता है लाइट की मदद से इमेज को ट्रांसफर करता है। जैसे आपने देखा साया, जैसे आप एक एक एक, एक दीवार है उसकी तरफ आप खड़े हो और पीछे लाइट, पीछे बल्ब या कोई भी लाइट है, तो आपका क्या होगा साया उसके सामने आ जाएगा। अब आप उसका स्केच बना सकते हो नहीं बना सकते, आपके पास मार्कर पेंसिल कोई भी चीज है तो आप उसके सामने खड़े हो जाए और उसके ऊपर आप जैसे जैसे वो साया है उसके ऊपर आप प्रिंट करें तो वैसे वो बनती आ जाएगी। अब ये हमारी तो इतनी क्वालिटी नहीं आएगी ना, कंप्यूटर तो बिल्कुल एक्यूरेट है, 0-1 binary की फॉर्म में अंदर वो इनपुट लेता है और वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो जैसा इमेज वहां से ट्रांसफर होगा ना एग्जैक्ट वैसा उसका आउटपुट आएगा। अकॉर्डिंग टू द टर्म व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये पहले हम लोग डिस्कस किए हुए क्लास के अंदर भी। तो ये इस टर्म के अंदर जो आपको नजर आ रहा है वही आउटपुट के अंदर भी वैसा ही आएगा, जो स्क्रीन पर नजर आएगा वैसा ही आउटपुट पेपर के ऊपर भी आएगा। ठीक हो गया। तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो डू प्रिंटिंग विदाउट फिजिकली स्ट्राइकिंग विद द पेपर, पेपर के साथ फिजिकली स्ट्राइक नहीं करते। एंड इट इज स्लो इन स्पीड, ये स्लो होता है स्पीड में। एंड इट इज फास्ट इन स्पीड, ये फास्ट होता है स्पीड के अंदर। इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज लो, इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज हायर। इट नॉर्मली यूजेज द कंटिन्यूस हीट एंड इट यूजेज इंडिविजुअल पेपर शीट। ये जो नॉन इंपैक्ट होता है ये इंडिविजुअल पेपर शीट यूज करते हैं। इंडिविजुअल का मतलब एक एक पेपर होता है, जैसे A4 साइज पेपर जो आप यूज करते हो। और ये कॉन्टिन्यूस, नॉर्मली कॉन्टिन्यूस शीट यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूस शीट आपने देखी होगी 5 की होती है साइडों से और वो पूरी एक शीट होती है, तय बताए एक दूसरे के ऊपर लगी होती है, लंबी से शीट ऐसा निकलती है, तो वो वाली शीट आपकी कहलाती है आपकी कॉन्टिन्यूस शीट।
जो इम्पैक्ट प्रिंटर में इस्तेमाल होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होते हैं वो सेपरेट शीट भी इंडिविजुअल शीट भी यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर के अंदर कॉन्टिन्यूस शीट इस्तेमाल होती है। आप लोग ये मेट्रो वगैरह या जब भी आप डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह पर जाएं तो वहां से प्रिंट आता है, साइड से पंच हुआ होता है, तो वो पूरी ऐसी शीट टिक 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 करके ऐसे निकलती है। वो जो ऐसे जो भी एक शीट है वो काफी लंबी सर निकलती है। अगर आपने बहुत ज्यादा शॉपिंग की है, बहुत सारी चीजें खरीदी है, तो लंबी सिलेट निकलती है, जिसको देखकर खातून जो होती है उसको तो बड़ी खुशी होती है, मर्द की जान निकल जाती है उस शीट को देखकर, क्योंकि उसको बिल पे करना होता है ना ऐसा। तो ये जिनको नहीं पता उनको पता लग जाएगा कुछ आने वाले दिनों में। तो इट नॉर्मली यूजेस द कंटीन्यूअस शीट और इट यूजेस द इंडिविजुअल पेपर शीट, और उसके बाद इट जनरेट्स अ नॉइज ड्यूरिंग प्रिंटिंग। ये जो होता है ये नॉइज जनरेट करता है। नॉइज का मतलब है कि जैसे शोर पैदा करता है, ज्यादा शोर होता है इसका, क्योंकि फिजिकली स्ट्राइक कर रहा है तो फिजिकली स्ट्राइक करेगा, जैसे कि जो चपेड़ मारे तो आवाज आती है कि नहीं आती, चपेड़ मारने की आवाज आती है ना, तो जैसे चपेड़ की आवाज आती है इसी तरह ये भी चपेड़े ही मार रहा है, उसको अंदर चपेड़े पड़ रही होती है उसको, तो चपेड़ जब पड़ेगी तो आवाज तो आएगी ना, तो ये होगा इसके अंदर। तो क्या होगा कि नॉइज जनरेट करेगा, और ये जो होता है ये चपेड़ नहीं मारता, ये वैसे बेइज्जती करता है उसे, तो बेइज्जती होती है उसमें आवाज नहीं आ रही होती, वैसे फील हो रहा होता है ना। तो ये नॉइज जनरेट नहीं करता, ये नॉइज जनरेट करता है। इट यूजेस द इंक रिबन फॉर प्रिंटिंग, ये इंक रिबन यूज करता है। इट यूजेस टूनर, टूनर क्या होती है, ये एक इंक होती है, इंक पाउडर होता है, सारे इंक टूनर यूज नहीं करते, जैसे कि इंक जेट है तो वो टूनर यूज नहीं करता, पाउडर यूज नहीं करता, उसके अंदर वो लिक्विड इंक होती है वो यूज होती है। तो लेकिन जैसे लेजर है तो वो टूनर यूज करता है, वो एक पाउडर होता है, काला पाउडर होता है, उसकी वजह से उसको जो चार्जेबल होता है उसकी वजह से वो चार्जिंग करता है उसको, फिर उसकी प्रिंटिंग कर देता है। इट इज लेस एक्सपेंसिव, मोर एक्सपेंसिव, ये ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट, और ये जो होते हैं ये कम एक्सपेंसिव होते हैं, ये सस्ते होते हैं कीमत। ठीक हो गया, और मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ लगी होगी, और एक पॉइंट साथ और भी इसके साथ लिखा हुआ है, नीचे फिर इनके डिफरेंसेस भी हैं, तो इनको देख लेते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ये एग्जांपल है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील एंड लाइन प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर, एंड लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर एंड थर्मल प्रिंटर आर एग्जांपल ऑफ नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये तीन इसकी मिसालें, तीन इसकी मिसालें, बहुत सारी और भी हैं, लेकिन तीन तीन एनफ है, बहुत है। तो अब हम आ जाते हैं जी अपने इंपैक्ट प्रिंटर के ऊपर, कि इंपैक्ट प्रिंटर जो है वो क्या है, बहुत नीचे चले गए हम तो। लो जी इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, लो जी ये है। तो जो इम्पैक्ट प्रिंटर है ये क्या है, इसमें पहला है डेजी डॉट मैट्रिक्स। तो आ प्रिंटर दैट यूजेस द हैमर्स एंड अ हैमर्स नहीं होना हैमर दैट यूजेस हैमर एंड अ रिबन टू फॉर्म इमेज फ्रॉम डॉट्स। ये एक हैमर यूज करता है, हैमर वैसे हथौड़े को कहते हैं, लेकिन ये एक आप कह लो पिन टाइप होगा, और एक इंक रिबन होता है, वो ये इस्तेमाल करता है इमेज फॉर्म करने के लिए। डॉट मैट्रिक्स यानी ये डॉट 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 डॉट्स डाल के उसकी मदद से ये इमेज बनाएगा, और ये बड़ा फेमस प्रिंटर है इंपैक्ट के अंदर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट डॉट बाय डॉट, ये डॉट बाय डॉट प्रिंटिंग करता है। द स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज मेजर्ड इन CPS, CPS का मतलब है कैरेक्टर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में ये कितने कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है। वैसे तो इसने कैरेक्टर एक वक्त में कैरेक्टर से प्रिंट नहीं करना, लेकिन फिर भी करेगा डॉट डॉट से, लेकिन फिर भी इसकी जो पिन होती है वो स्पीडी इतनी होती है कि वो आपको इतनी वेट नहीं करना पड़ता, यानी एक पिन है तो उसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन ये फिर भी एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको प्रिंट दे देते हैं। अब रीजनेबल टाइम को मैं समझा नहीं पाऊंगा आपको रीजन क्या, लेकिन ये है कि यानी आपको बुरा नहीं लगेगा यार इसने क्या कर दिया, इतने देर लगा, ठीक है, बंदा देर लगाए तो लगाए, वरना प्रिंटर फिर भी आपको एक नॉर्मल प्रिंट दे देता है इसका। यूजुअल स्पीड ऑफ द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज 50 to 500 CPS, इतनी इसकी स्पीड होती है, 50 CPS से लेकर 500 CPS तक की उसकी होती है। CPS यानी कैरेक्टर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 500 कैरेक्टर प्रिंट। कैरेक्टर क्या है, जैसे ए है ना, ये ए, ये आप मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको शेड कर देता हूँ, ये जो ए है ये एक कैरेक्टर है, इसी तरीके से ये जो पी है ये एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर है, आर एक कैरेक्टर है, इस इंपैक्ट के अंदर एम एक कैरेक्टर है, ठीक है, तो ये पूरा एक वर्ड बन जाएगा कैरेक्टर्स मिलके। तो इस तरह है, तो कितना कैरेक्टर्स वो एक सेकंड में प्रिंट कर सकता है, 50 कम से कम और 500 ज्यादा। ये एक नॉर्मल स्पीड है, इसे आगे पीछे हो सकती है। एंड दे आर कॉल्ड द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिकॉज दे यूज अ मैट्रिक्स ऑफ द डॉट्स, दे यूज द मैट्रिक्स ऑफ डॉट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स समझ आती है ना, जो रेक्टेंगुलर रे होता है, इसके नंबर सिंबल होते हैं, तो इसके अंदर एक्चुअली पिंस है, वो पिंस जो होती है वो उसको पंच करती हैं, एक्चुअल में कैरेक्टर्स को पंच करती हैं, उसको प्रिंट करती हैं उसको, ठीक हो गया। तो बिकॉज यूज अ मैट्रिक्स ऑफ द डॉट्स टू प्रिंट ईच कैरेक्टर, तो प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ सच प्रिंटर, प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ सच प्रिंटर्स इज लो, इसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो कम आती है, एंड दे आर फास्टर देन अ डेजी व्हील
एंड स्लोअर देन लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर से जो होते हैं ये स्लो होते हैं, लेकिन डेजी व्हील से ये स्पीड में ज्यादा होते हैं. अच्छा देखो कि डेजी व्हील, वैसे लगता है कि डेजी व्हील को फास्ट होना चाहिए यानी क्योंकि वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर प्रिंटिंग करता है और ये डॉट बाय डॉट प्रिंटिंग करता है, लेकिन डेजी व्हील स्लो होता है और ये फास्ट होता है. क्यों ये फास्ट होता है वो इधर आपको इसमें आंसर मिलेगा. तो ये डॉट प्रिंटर आपको समझ लग गया होगा. तो आगे हम चलते हैं जो डेजी व्हील के ऊपर. डेजी व्हील प्रिंटर इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट कैन प्रिंट अ कैरेक्टर एट अ टाइम. ये एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट कर सकता है, हालांकि ये एक वक्त में एक कैरेक्टर प्रिंट नहीं कर सकता, ये एक वक्त में एक डॉट प्रिंट करता है एट अ टाइम. ठीक है, तो लेकिन पिन और इसके जो पिन होती है स्पीड के साथ मूव करती है कि एक सेकंड के अंदर वो 500 डॉट्स प्रिंट कर सकते हैं. और एक जो कितने डॉट्स मिलकर एक कैरेक्टर बनेगा उसका साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है कितना छोटा है इस तरीके से वो. लेकिन वो डॉट इतने करीब होते हैं कि वो आपको डॉट नजर नहीं आते, लेकिन आप जूम करो ना तो वो आपको डॉट नजर आएगा कि हाँ यार ये डॉट डॉट मिलकर इसका बना हुआ है. ठीक है ना, तो ये जैसे आप पिक्चर को जूम करें तो वो डब्बे बन जाते हैं ना उसके ऊपर, बस ऐसे ही है कुछ. तो डेजी व्हील, तो उसके बाद जी डेजी व्हील प्रिंटर इज आल्सो कॉल्ड अ कैरेक्टर प्रिंटर. इसको कैरेक्टर प्रिंटर, अगर कैरेक्टर प्रिंटर आ जाए कि व्हाट इज कैरेक्टर प्रिंटर, तो आपने परेशान नहीं होना, वो डेजी व्हील का दूसरा नाम है कैरेक्टर प्रिंटर. दिस प्रिंटर कंटेन्स अ मेटल और अ प्लास्टिक डिस्क व्हिच हैज अ डिफरेंट लेटर्स नंबर्स एंड सिंबल्स ओवर इट, एंड इन ऑर्डर टू प्रिंट अ कैरेक्टर द व्हील हैज टू रोटेट एंड देन प्रिंट द रिक्वायर्ड कैरेक्टर. उसको व्हील को रोटेट होना होता है फिर उसको कैरेक्टर प्रिंट कर देता है. एज अ व्हील टेक्स द टाइम टू रोटेट, देयरफॉर द डेजी व्हील प्रिंटर इज कॉल्ड स्लो प्रिंटर. इसको स्लो प्रिंटर भी कहा जाता है. क्यों स्लो है? क्योंकि व्हील को रोटेट करने में और प्रिंटिंग हेड एक है जिसके सामने उसको आना है, उसके सामने आने में उसको टाइम लगता है. रोटेशनल डिले की वजह से डेजी व्हील जो होता है वो स्लो होता है. अगर कोई पूछे कि डेजी व्हील जो होता है वो कैरेक्टर एक वक्त में प्रिंट कर रहा है और जो डॉट मैट्रिक्स है वो एक वक्त में एक डॉट प्रिंट कर रहा है, तो फिर भी डेजी व्हील स्लो है क्यों? तो उसका आंसर अगर हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक ब्रीफ कंसाइज फॉर्म में दें तो हम ये कह देंगे कि जो डेजी व्हील है उसको रोटेशनल डिले होता है और रोटेशनल डिले की वजह से वो स्लो है, जबकि उधर वहां पे कोई रोटेशनल डिले नहीं है. इसके अंदर रोटेशनल डिले नहीं है डॉट मैट्रिक्स के अंदर, इसके अंदर रोटेशनल डिले है. तो इस रोटेशनल डिले की वजह से ये स्लो होते हैं, वो फास्ट होते हैं. और दो ये एक वक्त पे पूरा कैरेक्टर प्रिंट करेगा और ये नहीं करेगा, लेकिन रोटेशनल डिले इतना ज्यादा होता है कि उसकी वजह से इसको रफ्तार स्लो होती है. ठीक हो गया जी, और आगे चलते हैं हम. This printer contains a metal और ये वो आपको बता दिया. In order to print a character, the wheel has to rotate the print and required character. ये भी आपको बता दिया. As the wheel takes time to rotate, therefore the daisy wheel printer is slower printer. Because of its slow speed, daisy wheel printer is sometimes called lazy printer. Daisy मतलब lazy. ये बात याद रहेगी ना आपको. Daisy is a lazy. Slogan आप बना ले. Daisy is a lazy. तो daisy lazy है. उसके बाद है जी के speed of the daisy wheel is measured in CPS. इसकी स्पीड होती है वो भी CPS में होती है, यानी कैरेक्टर्स पर सेकंड. द यूजुअल स्पीड ऑफ द डेजी व्हील इज 10-75 CPS. यानी इसकी जो स्पीड है वो 10 CPS टू 75 CPS है, जबकि ऊपर वाला जो है उसकी 500, हालांकि पिन है डॉट बाय डॉट प्रिंटिंग कर रहा है, लेकिन फिर भी वो 50 से 500 तक प्रिंट कर देता है. तो ये इतना डिफरेंस है. उसके बाद आ जाते हैं ये लाइन प्रिंटर्स के ऊपर. लाइन प्रिंटर इज एन इंपैक्ट प्रिंटर व्हिच कैन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. ये पूरी लाइन, जैसे ये यहां से लेकर यहां तक लाइन लिखी हुई है ना, ये पूरी लाइन एक वक्त में प्रिंट कर देगा. एंड दे आर फास्टर प्रिंटर अमंग द इंपैक्ट. इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे फास्टर ये है, फास्टेस्ट है. दे आर फास्टेस्ट अमंग द दिस, दे आर द फास्टर नहीं होंगे, फास्टेस्ट होंगे, यानी सबसे फास्ट, फास्टेस्ट प्रिंटर अमंग द इंपैक्ट. यानी इंपैक्ट प्रिंटर में सबसे तेज तरीन जो प्रिंटर है वो लाइन प्रिंटर है. द स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज मेजर्ड इन LPM. इसकी जो स्पीड होती है वो CPM में नहीं होती, LPM में होती है. LPM का क्या मतलब हुआ? LPM है, CPS में नहीं. वो ऊपर वाला CPS था, ये नीचे वाला LPM है. लाइन पर मिनट, कि एक मिनट में कितनी लाइन है, एक सेकंड में नहीं, LPS नहीं है, LPM है, यानी लाइन पर मिनट. एक मिनट में कितनी लाइनें प्रिंट करता है. द स्पीड ऑफ द लाइन प्रिंटर इज ओवर 3000 LPM. नॉर्मल जो उसकी स्पीड होती है वो 3000 लाइनें एक मिनट में प्रिंट कर सकता है. ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर एंड बैरल प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर्स आर द अदर नेम ऑफ द लाइन प्रिंटर. इसलिए आपको अक्सर ये नाम मिलते हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये तो कहीं बताए नहीं गए. तो ये आपको बता दें कि ड्रम प्रिंटर हो गया, बैंड प्रिंटर हो गया, बैरल प्रिंटर हो गया, चेन प्रिंटर हो गया, ये सारे के सारे इसी के नाम है. थोड़ी सी वेरिएशन है उसके अंदर, वो आप इसके अंदर देख सकते हैं. तो ये था जी हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर. आगे हम मूव करते हैं अपना नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के ऊपर. तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर क्या है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, जैसे कि आपको शुरू में बताया, उसका डिफरेंस भी आपको बता दिया कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर जो होते हैं कि वो
फिजिकली स्ट्राइक नहीं कर रहा, उसका जो प्रिंटिंग हेड है वो फिजिकली पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं करता, वो इमेज को जो होता है उसका उसको ट्रांसफर करता है पेपर के ऊपर, फिर उसको चार्ज करता है और चार्ज करने के बाद उसको प्रिंट कर देता है। अब इसके अंदर तीन टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। तो पहला है लेजर प्रिंटर, जो कि सबसे फेमस प्रिंटर, अगर कोई नॉन इंपैक्ट में अगर फेमस प्रिंटर है तो वो ये वाला लेजर प्रिंटर, ठीक हो गया। तो इसको लेजर जेट भी कहा जाता है, इसको इंक जेट कहते हैं, इसको लेजर जेट कहते हैं। लेजर, सबसे पहले हम लेजर की बात करते हैं कि लेजर होता क्या है, इसको हम कहते हैं लेजर। एक बहुत शार्प लाइट होती है, आपने देखी होगी। तो लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये एब्रीवेशन, अब इसको मैं नहीं समझाऊंगा आप लोगों को कि, क्योंकि मैं लेजर नहीं समझा रहा आप लोगों को, जस्ट इसकी एब्रीवेशन। और इसको आप देख सकते हैं कि ये लाइट जो होती है एम्पलीफाई करता है लाइट को और स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू रेडिएशन की, तो वो एक लेजर होता है। तो लेजर प्रिंटर यूजेस द लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रिंट द इमेज एंड द टेक्स्ट ओवर द पेपर। पेपर पर टेक्स्ट जो प्रिंट करता है वो इसको यूज करेगा। द स्पीड ऑफ द लेजर प्रिंटर इज मेजर्ड इन पीपीएम, पेज पर मिनट, यानी पेज बाय पेज प्रिंटिंग करते हैं। एक वक्त में एक मिनट में कितने पेज प्रिंट कर सकता है, ये पीपीएम के अंदर होती है, पेजेस पर मिनट। दे कैन प्रिंट अप टू 24 पीपीएम, यानी 24 पेज पर मिनट प्रिंट कर सकते हैं। सम ऑफ द लेटेस्ट मॉडल्स ऑफर द स्पीड अप टू द 60 प्लस पेजेस पर मिनट, यानी 60 प्लस पेजेस भी इसलिए हो सकता है और इससे भी ज्यादा भी है। तो प्रिंटिंग क्वालिटी डिपेंड अपॉन द डीपीआई, उसकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो उसके डीपीआई पर डिपेंड करती है। डीपीआई होता है डॉट पर इंचेस, यानी डॉट पर इंचेस जितने उसके डॉट पर इंचेस, यानी एक इंच में कितने डॉट वो उसके लिख रहा है उसके ऊपर उसकी इमेज की क्वालिटी आएगी यहाँ पे ऑफ द लेजर प्रिंटर। डीपीआई मीन्स द डॉट पर इंचेस, हायर द डीपीआई हायर द रेजोल्यूशन बेटर द इमेज, यानी जितनी डीपीआई ज्यादा होगी उतना उसकी आप कह लें कि थिकनेस ज्यादा होगी उसकी, जो भी कैरेक्टर या जो भी आपका इमेज होगा उसकी थिकनेस ज्यादा होगी। और उससे क्या होगा कि उसकी रेजोल्यूशन, एक्चुअल में रेजोल्यूशन ज्यादा है, पिक्सल ज्यादा है, रेजोल्यूशन ज्यादा, जब रेजोल्यूशन ज्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी इमेज की बहुत बेहतर आएगी। यूजुअल डीपीआई जो है वो ऑफर्ड बाय ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर, ठीक है। जो यूजुअल डीपीआई होती है ऑफर्ड बाय द ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर इज 600 बाय 600, ये जो इसकी आमतौर पर डीपीआई होती है वो 600 बाय 600 होती है। कलर लेजर प्रिंटर जो होते हैं ये कलर में भी मौजूद है। प्रिंटर हैज अ यूजुअल डीपीआई ऑफ 2400 बाय 2400, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी एक्स और वाई के ऊपर रीजन के ऊपर। हाउएवर द स्पीड ऑफ द कलर लेजर प्रिंटर इज स्लोअर देन द ब्लैक एंड व्हाइट लेजर प्रिंटर। ब्लैक एंड व्हाइट जो फास्ट होता है और जो लेजर प्रिंटर, जो कलर लेजर प्रिंटर है वो स्लो होता है, उस कलर प्रिंट करने तो स्लो उसको स्पीड के साथ प्रिंट करना होता है। ले जी, उसके बाद आ जाता है आपका इंकजेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। तो इंकजेट प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर इज अ कंप्यूटर पेरिफेरल दैट प्रोड्यूसेस द हार्ड कॉपी बाय स्प्रेइंग इंक ऑन टू पेपर, यानी पेपर के ऊपर स्प्रेइंग इंक, इंक को स्प्रे करेगा और उससे वो उसको प्रिंट करेगा। टिपिकल इंकजेट प्रिंटर कैन प्रोड्यूस द कॉपी विद रेजोल्यूशन ऑफ एटलीस्ट 300 डॉट्स पर इंचेस DPI. Some inkjet printers can make the full color hard copies at 600 DPI or more. Inkjet printers are famous for their color printing, and they color printing is very popular. And they slow in speed. They are slow in speed. ये रफ्तार में कम होते हैं. They are slow in speed as compared to the laser printer, and they are costly. प्रिंटर एंड देयर प्रिंटिंग कॉस्ट इज ऑल्सो हाई एज कम्पेयर टू द लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर के मुकाबले में महंगे भी होते हैं। और आखिरी है ये थर्मल प्रिंटर, थर्मल इम्पैक्ट प्रिंटर और इलेक्ट्रो थर्मल प्रिंटर इज अ प्रिंटर दैट यूजेज द हीटेड पिंस टू बर्न इमेज ऑन टू अ हीट सेंसिटिव पेपर। लेकिन इसके लिए खास किस्म की प्लान किस्म की शीट यूज होती है। आपने अक्सर जो है ना ये आप जाए जो बेकरी वगैरह होती है तो वहाँ पे एक छोटा सा उन्होंने प्रिंटर रखा होता है, बिल्कुल छोटी सी पर्ची सी निकलती है उसके अंदर से, देखा ना, उसके अंदर एक शीट होती है ना वो बड़ी, एक तो बड़ी सॉफ्ट किस्म की शीट होती है, रफ पेपर भी खैर उसके अंदर यूज करते हैं, वो रोल हुई होती है उसके ऊपर। वो वाला जो प्रिंटर है छोटा सा वो भी तो प्रिंट कर रहा है ना, तो छोटी सी जो पर्ची निकलती है वो भी प्रिंटर है, वो आपका थर्मल प्रिंटर कहलाता है। अच्छा, इट इज मोस्टली यूज इन द एयरलाइन, बैंकिंग इक्विपमेंट्स एंड रिटेल, ग्रोसरी एंड द हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, एंड ये जहाँ जहाँ इस्तेमाल होता है ये आपको बता दिया है। द थर्मल प्रिंटर जो डज नॉट मेक द यूज ऑफ द इंक और अ टोनर अनलाइक मेनी अदर प्रिंटिंग फॉर्म बट लार्जली डिपेंड ऑन द थर्मल पेपर फॉर प्रोड्यूसिंग द इमेज।
ये कूलर या इंक वगैरह इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, ये जस्ट उसको क्या करता है हीट करके उसके ऊपर प्रिंटिंग कर देता है। और जैसे आप उसको एक्सपोज करें ना उसको, यानी आप उसको थोड़ा सा हीट दें तो उसके ऊपर जो करेक्टर होता है वो मिट जाता है उसके ऊपर से। आप उसको अक्सर देखें कि आपको उसको अपने वॉलेट में या कुछ देर के लिए ज्यादा देर पर रखते हैं तो उसके ऊपर करेक्टर जो होता है वो मिटना शुरू हो जाते हैं क्योंकि वो चार्जेबल होते हैं तो वो ज्यादा देर वो दिखते नहीं है। तो ये था जी हमारा प्रिंटर का टॉपिक और उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छी लगी वीडियो तो जो लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है इसको आप प्रमोट भी करें, लाइक भी करें, और उसके बाद है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर कर लें अपने दोस्तों के साथ जिनका आपको लगता है इससे कोई फ़ायदा ज़रा भी हो सकता है। और अच्छी नहीं लग रही वीडियो तो उसको आप ज़रूर डिसलाइक कर दें। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।